राम राम जी कैसे हो? अच्छा रेंचु पता है आपको ये मीडिया वाले है? अच्छा वही ना वही कौन वही? जो ये बताते किसकी किसके साथ गई? <laughs> देखो साहब मैं वन का हो गया हूं, शादी के लिए रेडी हूँ लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही सॉरी सारी इसका अरे ना ये कुछ ना देखता ये अपने चक्कर में लगा रहता है इसकी बात मं, नहीं है और मेरी धमने नहीं देता जी अरे हरियाली कौन सी वाली डबल मीनिंग कर रहा <laughs> है वीडियो स्टार मीडिया हरियाणा देखन वाले भाई सारे दर्शकाना मनजीत भारद्वाज की ओर से राम राम तो फ्रेम में हम दो भाई थोड़ी पर चले गए तो बुड़का बैठ लेयो तो फ्रेम में दो चार देखन लग रहे गए खास करके मैं खास शख्सियत खड़े हैं अनिल वेंट्रो भाई और रेंसो रंगीला तो कुकर ले आए थे कतौड़ता पकड़ा था, था तो मा... मा... ऐसा कुकर नहीं है तो कुकर, कुकर पकड़ा था पनामा के जंगल मार गए थे वो ना कुकर वाली बात होगी मतलब सीटी बजाने वाला कुकर जो होता है मैंने सोचा कुछ बना के खिलाएंगे आज मीडिया वाले हाँ यार ये मीडिया वाले पहचाना है तूने अच्छा ये वही है दांत नहीं है भाई इसने बनाए नहीं क्यों नहीं बनाए ये तो बता दे मैं लोगों को काट लेता ना इसीलिए नहीं बनाया मेरे भाई तो सब <laughs> तो वाला देसी भाषा में राम राम आण दे राम 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 करके दिखाना है रेंचो आपको सदी ने राम राम जी कैसे हो कोई भी रणवी का एक वर्ड बुलवा दे इसका रणवी का कोई भी एक वर्ड कौन सा बोलेगा कुकर

<laughs> अचारंशू कहाँ से आए थे आप देखो जी मुझे इसने बनाया यही मेरा का सब कुछ मेरा यही है ना जी दांत तो इसने बनाए नहीं अच्छा अच्छा और मैं तो पेड़ पे चढ़ाई नहीं ही दोस्तों मैं पेड़ पे नहीं चढ़ा क्यू भाई पेड़ पे नहीं चढ़ा क्यूँकी कभी ले नहीं जाता जंगल में ले चलो ना भाई आप ले चलो ना भाई के में लेकर जाओगे तो चलेगा ना डेफिनेटली अच्छा रंजू पता है आपको ये मीडिया वाले हैं अच्छा वही ना वही कौन वही जो ये बताते किसकी दीदी किसके साथ भाग गई <laughs> नहीं नहीं वो नहीं है मतलब कुछ मतलब ऐसी घटनाएं कम दिखाते हैं अच्छी इन्फॉर्मेशन ज्यादा दिखाते हैं अच्छा अच्छा भाई, अच्छा, भाई साहब आपका नाम क्या है मेरा नाम मंजीत भारद्वाज है मंजीत भारद्वाज क्या है बात किया शर्माता क्यों रेंचो सर माने नहीं ठीक है भाई आजकल किसी का कोई पता नहीं है

बेस्ट बेस्ट है ना बेस्ट अच्छा ये न्यूज़ वालों को इंटरव्यू तू तो क्यों देता है मैं सोचता हूँ हो सकता है इन लोगों को इंटरव्यू देने से ये लोग इधर उधर जाते रहते हैं ना तो हो सकता कोई लड़की अच्छा अच्छा लड़की ऐसा कर मैं क्योंकि न्यूज वालों का क्या है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है <laughs> तो डेफिनेटली हो सकता कोई सुंदर सी बंदरिया मिल जाए चाहे तो बंदेरिया ही तो चलेगी नहीं नहीं सुनो भाई अच्छा अच्छा मेरे ना, पास मेरा बहुत बढ़िया ना ना, ना, ना। क्या फिर फिर किससे करेगा कोई लड़की देखो यार नहीं है या। अरे, लड़की तो पसंद को नहीं दांत लगवा लेंगे आर्टिफिशियल हाँ भाई ने लगवा रखा लग रहा है असली ये नकली वाले भी असली बताते दोस्तों

तो देखो इफ यू लाइक मी इफ यू लाइक हिम वाह जी वाह क्या बात है देखो भाई कितना प्यारा है कितना सुंदर है तो कोई छोरी देख लग रही हो भाई इस बेचारा ने कोई पसंद कर दियो तो यू बहुत दिन हो गए देखो शर्मा गया ये बात सुनकर बहुत जल्दी शर्मा हुआ है <laughs> <laughs> तो कुकर इसका निर्माण कर रहा था कि कुछ आपका मन में आई थी कि भाई रंसो पाड़ा जावा रंसो रखा जावा <laughs> <laughs> रेंचो पारा जावे एक्चुअली क्या है कि मैं वेंट्रोलोकिस्ट हूँ जिसमें मतलब कि विदाउट विदाउटिंग आवाज निकाली जाती है तो वेंट्रोलोकिस्ट क्या होता है कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन करता रहता है मैं डक के साथ करता हूँ इसके साथ करता हूँ मेरे इसके साथ साथ सात और दोस्त हैं सबके साथ में प्रेजेंटेशन देता रहता हूँ तो इसको भी बनाया था मैंने उसी दौरान अच्छा रेंचो को भी पहले क्या बनाया था अपना पंडित जी बनाया पहले मैंने बनाया डक बतक बत उसके बाद रेंचो को बनाया मैंने बाद में एक साल बाद उसके बाद मैंने परचेज भी किए बाहर से, बाहर से, भी, एक से भी मंगाया हुआ है मैंने पपेट और एक मुंबई से भी मंगाया हुआ है सबसे ज्यादा लगाओ मुझे डक और रेंचो से थैंक यू यार आज तूने खुलेआम ही दिया कि तू मुझे बहुत प्यार करता है कितना प्यार करा बहुत करता है

पंद्रह बीस साल से तो उसकी आवाज़ निकालते निकालते मुझे पता चला वेंटर भी होता है फिर मैं वेंटर में भी प्रैक्टिस करने लगा अच्छा टाइम लग गया था वेंटर में चार मैं छः सात साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सात साल हो गए मुझे अच्छा। रेंचोर हम सात साल से एक साथ दो से हैं सात दो हज़ार पहली परफॉर्मेंस तोड़ दी थी कहाँ दई थी पहले अपने स्कूल में दी थी मैंने सबसे पहले मैं कोई भी कुछ भी करता हूँ तो सबसे पहले आपने स्कूल में प्रेजेंटेशन देता हूँ अपने बच्चों के लिए अच्छा मतलब पहली बार में परफेक्ट थे या मतलब थोड़ी बहुत कमी लग गए थे अपने अंदर तो पहली बार में परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कला ही ऐसी इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट अभी भी मैं ये नहीं बोल सकता मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस टाइम भी जो था

हरियाणा वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई इस हाँ इसके 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 लगाओ मेरे मत लगाना बोल बोल हां फॉर्म पड़ता है इसकी आपका नुकसान कर देगा भाई इसे पता नहीं चलता कई बार मतलब कि दबा देता ये। ददादो, 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 है ये नहीं दबा दो दबा दो रहने यार इनकी रोजी रोटी है सॉरी 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 बिल्कुल नहीं लगा ना ना बराबर दोबारा तो नहीं लगा नहीं लगा वोरा चलो ठीक है बिल्कुल। तो जब स्टार्टिंग आप लगे थे आपके परिवार मतलब के कुछ रिएक्शन था खेलता रहता है बच्चों वाली आदत पता अच्छा नहीं क्या जो उम्र इतनी ज्यादा हो गई है और बच्चे जो अर्क का अजीब सी आवाज निकालता और क्या इनसे बातें खुद ही बातें करता रहता और मतलब की बोलते थे कि कि फालतू के काम करता रहता है बट धीरे धीरे उन्हें लगा कि दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशन फिर उन्हें फील हो गया कि हाँ ये सही है। बात भी तो है गांव में कह रहे अगर आप बांद्रा साथ में रखा तो तो मदारी है खेल दिखा हुआ तमाशा दिखा हुआ ऐसा लोग सोचते हैं बट मैं बताऊँ ये स्टैंड अप कॉमेडी का एक माध्यम होता है जिससे क्या होता है कई बातें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते लोगों से लेकिन इसके माध्यम से बोल देते हैं मतलब कि बंदूक मेरे कंधे पर के चलाते हैं हाँ बंदूक इसके कंधे पर रख के चलाना बहुत ईजी होता है बट डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते तो एक कॉमिक वे से एक मजाकिय वे से जो बातें करते हैं वो बड़ा मजा आता है तो फीलिंग्स को हम व्यक्त कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि केवल कॉमेडी कॉमेडी ऐसा नहीं है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे देते हैं लोगों को अवेयर करते हैं जागरूक करते हैं इसके माध्यम से कई बार लोगों को पता नहीं होता तो हम इस माध्यम से जागरूक करते हैं लोग कर तो अच्छा है। पंडित जी भी ले बातचीत करो सभी करो कि हाँ, की जी भी हैं वो वो बटनों से काम करते हैं उनका सिस्टम अलग है वो मुंबई से मंगाए थे अच्छा ले पतरा वरा वही देखते हैं <laughs> थोड़ी सी वीडियो दिखा सकते बीच में पंडित जी की देखते हैं फ्यूचर छोत्रा पत्रा देखा पंडित ने हाँ देखा मैच नहीं हो रहा कहीं अच्छा अच्छा कुंडली मिली नहीं मिली अभी नहीं मिली लेकिन यही आशाएं है की डेफिनेटली आज नहीं तो कल मिलेंगी अच्छा अच्छा अगर बात करें जाओ आपके प्रॉपर गांव की गांव कौन सा अपना जिले से बिलोंग करो गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ गोरखपुर में भी घर है एक और हमारा महाराजगंज में है नेपाल के पास भी अभी फिलहाल हम वही नौतनवा में ही रह रहे हैं नौतनवा में ही मेरा परिवार रहता है वही हमारा गाँव है अच्छा। तो रेंचो ने ने भी गाने कौन से कौन से सुने आज तक रेंचो ने कौन-कौन से सुने भाई बता दे हट जाता हूं, पाछे ने, नाचन दे के हूँ <laughs> ये तो पुराना हो गया यार ने तो ने कौन तो चीज ला जदाद तेरा कोई ना जवाब तू चीज ला जदाद तेरा कोई ना जवाब है देखा मजा आया ना प्रांजल वाला भी सुनेती का दे मेरा बलमा थानेदार चलावा जी हां तो प्रांजल दैया तो मेरी फेवरेट है।, <स्थाली> है कौन सा गाना गाती सुना प्रांजल दैया मेरे सैया थानेदार चलावे जी <laughs> भैया बोला सहीया बोला सैया लेकिन भैया भी तो चला सकते हैं हमेशा को प्यार दिखाना है भाइयों को भी प्यार कर सकते है ना कुछ लगा लगाओ ना भाई टेस्ट ठीक है हमारा <laughs> इसकी तरह ना नहीं अपना टेस्ट भी ठीक है चल ठीक है कुछ एक बड़ा इंसान बनावा नहीं ये पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं देता देखो जो दमदर कहाँ तड़ सकते हैं न जिस स्कूल में पहुँच गया ना बाकी बच्चों का करियर खराब हो जाएगा सब मेरे पीछे पीछे आने लगेंगे स्कूल्स कालवा लेकर का जाओ हो बड़का के कुछ रिएक्शन देखा है बहुत अट्रैक्ट होते हैं बच्चों के लिए तो बहुत अट्रैक्टिव होता है पूरे स्कूल के बच्चे आ जाते हैं ग्राउंड में अगर बोल दिया रेंचो आ गया उन्हें पता है रेंचो आ गया तो आज बहुत ही मस्ती होनी है और मस्ती के साथ साथ मैं क्या करता हूँ कोई ना कोई मैसेज डिलीवर करता हूँ अच्छा सा एक जैसे स्वच्छ भारत अभियान पर ले लिया या कोई करंट टॉपिक ले लिया गुड टच बैड टच ले लिया बच्चों से रिगार्डिंग या पढ़ाई के बारे में कि पढ़ना क्यों जरूरी है पढ़ते नहीं हो ये नहीं करते या रास्ते में कोई आपको रोकता है परेशान करता है तो बच्चों आपको क्या करना है बहुत तेजी से इस टाइप से करके दिखाते तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं हंसते और उनके माइंड भी सेट हो जाती है